अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे भाइयों, सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल लाइसेंस कैसे शुरू करवाना है। मेरा ख्याल है मैंने एक वीडियो में बताया है, लेकिन शायद तफसील से नहीं बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर तो आपके पास सऊदी अरब में कार का लाइसेंस है, अगर आप मोटरसाइकिल का लाइसेंस इशू करवाना चाहते हैं, तो वो आपका ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस से, जिसे मरूर कहते हैं अरबी में, मरूर ऑफिस से एक ही दिन में निकल सकता है गाड़ी का लाइसेंस दिखाकर। और अगर आपके पास सऊदी अरब का कार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप मोटरसाइकिल का डायरेक्ट इशू करवाना चाहते हैं, उसके लिए मेरे डॉक्यूमेंट सुन लें। आप एक कामे की फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट के फ्रंट दो पेज की फ़ोटो चाहिए, कॉपी चाहिए इनकी। उसके बाद आपकी 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट चाहिए और 400 रियाल फीस चाहिए। उस वक्त 400 नहीं, 3 साल पहले मेरा ख्याल है शायद 500-600 होगी होगी, लेकिन 400 नहीं, तकरीबन एवरेज 400 रियाल आपको ट्रेनिंग फीस चाहिए। ट्रेनिंग वो आपसे लाजमी लेंगे, आपको देंगे ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा, अब आपको इस डॉक्यूमेंट आपने जमा कर लिया, आपने अपने अफसर से, अगर जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उन्हें पता होगा अफसर क्या होता है, अफसर से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, दरबार सेंटर की अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेके आपको 10 दिन बाद की मिलती है, 15 दिन बाद की मिलती है, या 2 दिन बाद की मिलती है, या कल की मिलती है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा दल्ला सेलेक्ट कर रहे हैं। दल्ला बोलते हैं ट्रेनिंग सेंटर वर्ग में, ठीक है। आपने मवाद अपॉइंटमेंट ले ली, अपॉइंटमेंट वर्ग में मवाद बोलते हैं, और अगर आपको मवाद देना नहीं आता, अपॉइंटमेंट लेनी नहीं आती, तो आप करीबी किसी फोटो स्टूडियो वाले के पास चले गए, वो आपसे 20-25 हज़ार चार्ज करेगा और आपके नाम पर आपका मवाद बना के दे देगा। एक पेपर होता है, ठीक है, मैसेज भी आता है मोबाइल में कि इस बंदे ने फलां ऑफिस में फलां सेंटर में अपॉइंटमेंट ली हुई है, ठीक है। अब वहाँ चले जाते हैं, जब जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, अब वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके अगर तो आपने मेडिकल नहीं करवाया हुआ, तो वहाँ ऑफिस के सेंटर के बाहर बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, मसरी, यहाँ तक कि यमनी भी खड़े होते हैं। हम आपको घेरने के चक्कर में होंगे, भाई आए हम, आपका मेडिकल करवा देते हैं, हम आपकी फ़ोटो बनवा देते हैं। अगर आपने फ़ोटो वगैरह नहीं बनवाई, मेडिकल नहीं करवाया, तो आप उन्हें 100 से 150 रियाल में मना लें, वो मान जाते हैं, 100 रियाल में 150 रियाल में मान जाते हैं, वो आपको गाड़ी में लेके जाएंगे बिठा के, मेडिकल भी आपका करवाएंगे, मेडिकल में आपका ब्लड ग्रुप चेक होगा, उसके बाद आँखें चेक होंगी, नज़र चेक होगी, और उसी वक्त आपको रिपोर्ट निकाल के दे देंगे, और वो आपकी फ़ोटो भी 100-150 रियाल में बना के दे देंगे। यानी कि 100-150 रियाल में आपको लेके जाएगा, लेकर आएगा, मेडिकल रिपोर्ट करवाएगा और फ़ोटो भी बनवा के देगा, ठीक है, और फाइल भी बनवा के देगा। फाइल मतलब विजय होती है, फाइल भी बनवा के देगा। आपने फाइल बनवा दिया, अब आप अंदर चले ऑफिस में, वहाँ जाके विंडो में जमा करवाएंगे, वो आपको बताएगा कि अब यहाँ कितने दिन बाद की क्लास आपको मिल सकती है। क्लास आपको लाजमी लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लाजमी लेनी पड़ेगी। 5 दिन बाद की क्लास देते हैं आपको, तो आप आपसे वो फीस मांगेंगे, 400 रियाल तकरीबन फीस थी उस वक्त, अभी शायद 500 हो सकती है, मेरा ख्याल 400 ही होगी। आप 400 रियाल उनको फीस देंगे, तो आपकी फाइल जमा कर देगा और आपको फलां दिन को आने को जिस दिन बुलाएगा। आपको 10 दिन की ट्रेनिंग लेनी है, 10 दिन में 3-3 घंटे आपको बैठना होता है, 2 से 3 घंटे आपने टनल रुकवा चले जाना। जब वो पास हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी, फिर आपको भेजेंगे फिंगरप्रिंट देने के लिए। फिंगरप्रिंट एक प्लस ट्रैफिक पुलिस वाला का ऑफिस होता है, वहाँ फिंगर लेते हैं और क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हैं कि इस बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं सऊदी अरब में, चारों फिंगर, दोनों हाथों के फिंगर लेके आपके, उसके कोई चार्जेज नहीं होते। ये जो ट्रेनिंग सेंटर वाले हैं ना, ये आपको पेपर देंगे, वो पेपर आपने ले जाके वहाँ देना है और वहाँ से आप फिंगरप्रिंट देना है। अगर तो जल्दी हुआ तो एक ही दिन में हो जाएगा, फिंगरप्रिंट नहीं हुआ तो आपको 2-3 दिन बाद आने का टाइम लगेगा। आपने फिंगरप्रिंट करवा लिया, वापस आ गए, अब आके आपको आपने पेपर में दोबारा अटेंड किया ऑफिस ट्रेनिंग सेंटर में, अब वो आपको बताएंगे कि किस दिन आप आ जाएँ और आके कंप्यूटर टच दें। याद रखें, सऊदी अरब में लाइसेंस बनाने के लिए कंप्यूटर टच लाजमी होता है। कंप्यूटर टच में 20 सवाल दिए जाते हैं, उसमें से 15 मेरा ख्याल है 15 या 16 वो आपको पास करने होते हैं। हर सवाल के साथ 4 आंसर दिए जाते हैं, करेक्ट आंसर भी आपने चेक करना है। जब कंप्यूटर पर टेस्ट पास कर लेंगे, फिर आपको ले जाएंगे ट्रेनिंग के लिए।
ड्राइविंग मोटरसाइकिल आपको दी जाएगी, एक आठ का निशान बना होगा, जब पार्किंग लगाने कुछ भी करने को आठ का निशान ही बना होता है मोहम्मद, आपको आठ के निशान में मोटरसाइकिल चला के वापस आना है, उसकी ट्रेनिंग आसानी से हो जाएगी। ट्रेनिंग होगी, हाँ सर होगी, आपको पेपर दे दिया उसने, कहा अंदर चले जाएंगे, आप अंदर जाकर काउंटर पर जमा कराएंगे, काउंटर वाला आपसे पेपर ले लेगा और आपसे पूछेगा कि आपने फीस जहाँ जमा करवानी या खुद जमा करेंगे। फीस होती है 200 रियाल, 10 साल का बनता है लाइसेंस, सऊदी अरब में मोटरसाइकिल लाइसेंस 10 साल के बनता है, इससे कम नहीं बनता, उसकी 200 रियाल फीस है। आपने अगर तो उससे जमा करवानी है तो वो आपसे 20 से 25 हज़ार ज़्यादा लेगा और उसी वक्त जमा कर देगा, और अगर आपके पास बैंक अकाउंट है और आप वो जमा करना चाहते हैं तो आप 200 रियाल पे करेंगे, या किसी दोस्त को बोल दें भाई मेरे इस कामे नंबर पर जमा कर दो, ठीक है, तो आपकी फीस उसी वक्त जमा कर देगा ऑनलाइन। फीस जमा होने के बाद जो पेपर आपको दिया जाएगा वो पेपर आप लेकर अंदर जाएंगे, जब लाइसेंस इशू हो रहा होता है वहाँ पेपर जमा करा के बैठ जाएंगे, 10 से 15 मिनट में आपको आवाज़ दी जाएगी आपका कामा नंबर और नाम बोलकर, आए और आके अपना लाइसेंस ले लिया, आप उसी वक्त लाइसेंस ले लीजिए, आके लाइसेंस लेके मेरे लिए दुआ कीजिए। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, लाइसेंस मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनाने के लिए आपको एक आर्मी की फ़ोटो चाहिए, 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए और पासपोर्ट की फ्रंट 2 पेज की फ़ोटो चाहिए और मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, 200 रियाल लाइसेंस की फ़ीस और 400 रियाल से 400 से 500 रियाल उसकी फ़ीस है ट्रेनिंग की फ़ीस, मदरसे की जिसे बोलते हैं स्कूल की फ़ीस, और फिंगरप्रिंट का पेपर आपको चाहिए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई।